हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने वाले प्रॉपर बंगाली थाली, जो नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि हमारे यहाँ के जो फूड होते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी होते हैं, एज वेल एज हम लोग बहुत सारी फूड्स लंच के टाइम बनाते हैं। तो अभी हमारा पहला डिश है चिकन। चिकन बनाने के लिए एज यू नो कि गर्म तेल में प्याज को डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट एंड थोड़ी सी हल्दी नमक मिर्च दे के हम अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। एंड ऑल्सो विल ऐड सम धनिया, एंड अगर आपके पास पुदीना है तो वो भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे टमाटर भी डाला है। सो इन सबको हम लोग अच्छे से पेस्ट को बना लेंगे सो दैट कि हमारी चिकन जो है बहुत ही टेस्टी बने। नाउ वी विल ऐड सम वाटर एंड इसको बॉईल होने के लिए 2 से 4 मिनट तक रख देंगे। आफ्टर बॉईल होने के बाद अब चिकन को उसमें डाल देना है, एंड इसके अंदर जितने भी मसाले हैं, अगेन सम धनिया पुदीना जितने भी हो सकते हैं आप डाल सकते हो। एंड इसको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद हम लोग फिर से पानी देके और मसाले देके, मसाले में आपको जीरा पाउडर एंड सब्जी मसाले, जो चिकन मसाले हैं, टमाटर और भी सारे जितने भी मसाले हैं वो सब डाल के आप इसको बॉईल करने के लिए रख दो पानी डालकर। एंड बॉईल करने के लिए ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स रख दो। नाउ जब तक चिकन बॉईल हो रहा है तब तक हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग टमाटर, आलू एंड सम धनिया लेकर के इसको अच्छे से काट लेंगे। पहले ऑब्वियस सी बातें धो लेंगे एंड सम प्रेशर कुकर में डाल देंगे इसको बॉईल होने के लिए। ये पता नहीं मेरी मॉम की रेसिपी है, आई डोंट नो वो कहाँ से सीखी है, बट मुझे थोड़ा सा ये अजीब टाइप का लगता है बिकॉज इसको इवेंचुअली बॉयल ही करना है, बट इन्होंने प्रेशर कुकर में पहले बॉयल कर लिया विथ सम हल्दी एंड नमक। इन दोनों को बॉईल करने के बाद कढ़ाई में तेल डाल करके मसाले बना लेने हैं। मसालों में आपको अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, थोड़ा सा हल्दी नमक एंड मिर्च डालनी है अगर आप चाहो तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऑलरेडी हम लोगों ने आलू पे हल्दी नमक डाला था तो कम मात्रा में आप डाल सकते हो या फिर ना के बराबर डाल सकते हो। एंड इसको फिर से हम लोग बॉयल कर लेंगे विद सब मसाला। नाउ नेक्स्ट है फ्राइड बैंगन, यानी कि बंगाली में कहते हैं बैंगन भाजा। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बेसिकली बैंगन को गोल गोल बारीकी से काट लेना होता है एंड इस पर हल्दी नमक और थोड़ी सी चाट मसाले वगैरह लगा के इसकी लेप को अच्छे से बैंगन के अंदर लगा देनी है एंड इसको गर्म तेल में अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में, बंगाली फूड में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो आपको अच्छे से पता होगा, एंड जो लोग दूसरे एरियाज़ के इंडिया में हैं वो लोग प्लीज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नॉर्थ इंडिया में बैंगन भाजा बहुत ज़्यादा फेमस है इन द लंच स्पेशली। नाउ वी विल मेक सम दाल। तो दाल बनाने के लिए गर्म पानी में आपको हल्दी डालना है एंड दाल को डाल देना है एंड इसको बॉईल कर देना है। बॉईल आई थिंक 2 या 3 4 प्रेशर कुकर की सीटी लग दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली। एंड फिर आपको अच्छे से प्याज मिर्च डाल के कढ़ाई पे आपको फ्राइड कर लेनी है, इसका जो मसाले बना लेनी है एंड इस दाल को डाल देना है इसी कढ़ाई पे। एंड कढ़ाई पे डालने के बाद इसको अच्छे से बॉईल करना है, थोड़े से आप धनिया पुदीना ऐड करके ये हमारी दाल बन गई गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी। नाउ इट्स टाइम फॉर फुल डिश। डिश हमारी टोटली सबकी तैयार हो गई है, जो भी नॉर्थ इंडियन का प्रॉपर थाली होता है वो बन गई है। सो यहाँ पे है बैंगन का फ्राइड, मतलब बैंगन भाजा, नमक अगर आप चाहो तो साइड में ले सकते हो, नींबू मिर्च और कुछ सैलड्स, एंड उसके साथ ही साथ हैं आलू की सब्जी जो हमने बनाई वो आपको दिखाया हमने, एंड कुछ चटनी वो है धनिया की चटनी जो ये भी फेमस है ठंड के टाइम, एंड दाल थोड़ी सी, एंड एज वेल एज ये होती है साग जो पालंग का साग होता है। साग भी अच्छे होते हैं आपके हेल्थ के लिए, आपके हेयर्स के लिए, बॉडी के लिए, एंड ऑब्वियसली बात है मेरी चिकन जो मेन इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे। सो ये प्रॉपर बंगाली थाली है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड आप देख सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो घर में एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर सकते हो। एंड लेट मी नो कि आपको ये थाली कैसा लगा, इस तरह की वीडियो और भी आती रहेगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।